वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए कर रही हूँ एसएससी सीजीएल टीयर 3 2017 के लिए पेपर कोड 1117। ओके, ये पेपर मैं आपके लिए कर रही हूँ और ये जो वीडियो है ये सभी पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से बनाए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस पेपर में हमारे टॉपर्स कौन हैं। इस पेपर में हमारे टॉपर्स हैं रेवती फ्रॉम हैदराबाद। अच्छा लिखती हैं ये इंग्लिश में, और रेवती के 76 मार्क्स आए हैं। इन्होंने लेटर और ऐसे दोनों बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पर है सिद्धार्थ जेला। जो सिद्धार्थ हैं इन्होंने पाए हैं 72 मार्क्स। ओके, इनके 72 मार्क्स आए हैं। और थर्ड पोजीशन पर बलविंदर सिंह हैं। बलविंदर सिंह जो हैं इनके आए हैं 70.5 मार्क्स, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। ये तीनों ही जो हैं ये हमारे इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली टॉप 5 पोजिशंस में कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं था। हालांकि मैंने पेपर जो अंदर पीपीटीज हैं उनमें हिंदी मीडियम के भी एसेज इंक्लूड किए हैं ताकि आप समझ सके कैसे लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं रेवती ने कितना स्कोर किया है। ये देखिए रेवती का पेपर, इनका इन्होंने यहां पर अपना रोल नंबर लिखा है, ये इनका पेपर कोड है रेवती फ्रॉम हैदराबाद। यहां पर अगर आप देखें तो 50 मार्क्स का एसे था और 50 मार्क्स का ही लेटर। ऐसे में आपको 10 नंबर एलोकेट किए गए हैं रिलेवेंसी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपने लिखा वो अप्रासंगिक है, बहुत लंबी भूमिका बना रहे हैं, पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं। स्पेलिंग ग्रामर के लिए 5 नंबर। वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स का मतलब है जो रेंज है आपके 240 से 260, उससे ना ऊपर ना नीचे, इसके बीच आपको लिखना है। प्रेफरेबली कोशिश करो कि आपका ऐसे जो हो वो 245 246 इसके अंदर वो सिमट जाए। ओके, कंटेंट क्वालिटी के लिए 8 नंबर। फॉर्मेट, क्या आपने पैराग्राफ्स बनाए हैं, आपने कहीं 1 2 3 4 तो नहीं यूज़ कर दिया, कहीं आपने बुलेट पॉइंट्स तो नहीं यूज़ कर दिए। जितने भी पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे टायर 3 प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, आपके पास वीडियोस गए हैं बाकायदा कि आपको ऐसे में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब। तो फॉर्मेट के लिए भी हमारे 5 नंबर, राइटिंग नीट एंड क्लीन के लिए 5 नंबर, इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए 7 नंबर, और क्या आप पूरे का पूरा जो है ऐसे है आप उसको एक माला की तरह पिरो पाए कि जो आपके जो थॉट्स हैं जो आपने पॉइंट्स है वो बड़े बिखरे हुए से नजर आ रहे हैं। तो कोहेसिवनेस के लिए 5 नंबर। इन्होंने ओवरऑल 38 मार्क्स स्कोर किए हैं, विच इज अ गुड स्कोर। लेटर में रेलेवेंसी के लिए 10, स्पेलिंग ग्रामर के लिए 4, वर्ड लिमिट के लिए 4, कंटेंट क्वालिटी के लिए 8, फॉर्मेट के लिए 8, राइटिंग नीट एंड क्लीन के लिए 4 नंबर, इफेक्टिव सेंटेंसेस के लिए 6 नंबर और कोहेसिवनेस के लिए 6 नंबर, और इन्होंने लेटर में भी 38 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको टॉपिक बताती हूँ। टॉपिक जो दिया गया था, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग था, रेलेवेंस ऑफ गांधी जी इन टुडेज टाइम। क्या गांधी जी आज के टाइम में भी, उनकी कोई प्रासंगिकता है आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता? थोड़ा सोचने वाला टॉपिक जरूर था, पर देखो कभी कभी टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है टॉपिक तो आसान था पर मैं नहीं लिख पाया। ये वैसा ही टॉपिक है, ठीक है, ये वैसा ही टॉपिक है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना टाइम, अपनी एनर्जी ये वेस्ट करने में बताई हमें कि गांधी जी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या रोल था। गांधी जी इस साल दक्षिण अफ्रीका गए, वहां उन्होंने ये किया, फिर वो भारत आए, फिर उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी उनके साथ हो गए, ये उनके साथ हो गया, वो उनके साथ हो गया, उन्होंने नमक वाला आंदोलन किया। गांधी जी के बारे में आपको क्या लिखना है? देखिए गांधी जी पर भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी पर एक टॉपिक हो सकता है, गांधी और गांधी जी का जो रोल था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो एक टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया था, आपको क्लियरली दिया गया है कि आज के समय में गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है, कितने रेलेवेंट है वो आज के समय में, ठीक है, ये आपको टॉपिक दिया था। और जो ये जो स्टूडेंट है जो टॉपर है रेवती, इन्होंने एग्जैक्टली यही लिखा कि उनकी क्या प्रासंगिकता है। आप में से बहुत सारे लोग, मैं कहूंगी कि करीबन 60% लोग ऐसे जरूर थे जिनके ऐसे में वो सारी बातें थी जो कि उनको नहीं लिखनी थी। गांधी जी से उससे संबंधित तो थी लेकिन गांधी जी के आज के टाइम में रेलेवेंट से संबंधित नहीं थी। मैं बार बार आपसे कह रही हूं रेलेवेंट लिखना सीखो। रेलेवेंट नहीं लिखोगे आपके नंबर जो है 55 56 57 इसके आसपास घूमेंगे। ढंग से लिखना सीख जाओगे तो आपका स्कोर 75 को क्रॉस करेगा। देखिए ये क्या लिखती हैं, ये लिखती हैं एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इन्होंने गांधी जी के कोट से ही स्टार्ट किया। ओके, गांधी जी वॉज द लीडर ऑफ द पास्ट, रन्स इनटू द प्रेजेंट एंड मार्चेस टुवर्ड्स द फ्यूचर। बिल्कुल सही है, गांधी जी हमारे अतीत में लीडर थे। ओके, वो वर्तमान में भी हैं और वो भविष्य में भी होंगे। नो लीडर आइदर टूडे और इन फ्यूचर कैन मैच हिम इन करिज्मा एंड कैलिबर दैट ही हैड। His principles stirred entire India at one point of time and some of them are even relevant in today's world. तो बिना इधर उधर की बातें करते हुए बिल्कुल अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही जो हमारी ये राइटर हैं रेवती, तुरंत आपके टू द पॉइंट आती हैं।
आगे ये कहती हैं गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रेलेवेंट हैं कि नहीं। द गांधियन टेक्निक ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड बाय मेनी ओप्रेस्ड सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक नेल्सन मंडेला इन साउथ अफ्रीका एंग सुयू की इन म्यांमार विच इज एन एलोक्वेंट टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ऑफ गांधी जी। गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर अप्लाई किए हैं और दो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल दिया है, फिर म्यांमार का एग्जाम्पल दिया है। हिज व्यू अबाउट सैनिटेशन, गांधी जी क्या कहते थे सैनिटेशन के बारे में, गांधी जी ने ही तो ये कहा ना, उन्होंने जो हमारे शेड्यूल कास्ट थे उनको नाम दिया हरिजन और गांधी जी स्वयं वहां पर जाकर टॉयलेट्स वगैरह क्लीन करते थे। उन्होंने सैनिटेशन के बारे में जो फिलॉसफी दी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में उन्होंने बिल्कुल कहा था कि जो गांव में पंचायतें हैं उनको आप स्ट्रांग बनाइए, नीड फॉर बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल सबको शिक्षित करने के बारे में, ऑल दीज होल्ड गुड इन द प्रेजेंट टाइम्स। ओके, क्या आपको नहीं लगता जो मेक इन इंडिया है आज के जमाने में, जो इतना सारा शोर मचा हुआ है मेक इन इंडिया, वो गांधी जी का जो स्वदेश वाला कॉन्सेप्ट था या गांधी जी का जो आप स्वयं से खादी बुनिए और कातिए और उसको पहनिए उनसे रिलेटेड है। तो हिज ड्रीम ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज बीन अचीव्ड टू सम एक्सटेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हाईटेक एंड एनर्जी सफिशिएंट एफिशिएंट सिस्टम्स, इंडिविजुअलिटी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आर एट द प्राइम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, ये देखो इन्होंने कितना अच्छे से एसोसिएट किया है, मेक इन इंडिया इज नथिंग बट सेल्फ सफिशिएंसी एज एम्फसाइज्ड बाय गांधी जी। वुमेन एम्पावरमेंट वॉज वन ऑफ गांधी जीज मेन गोल्स। अगर आप गांधी जी के बारे में जानते हैं तो गांधी जी डेफिनेटली ये चाहते थे कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको किसी प्रकार का आप स्किल सिखाइए, उनको टोकरी बुनना सिखाइए, उनको चटाइयां बुनना सिखाइए, कोई किसी प्रकार का उनको स्किल सिखाइए। तो क्या ये आज हमारे स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है उससे एसोसिएट आप इसको नहीं कर पाए? टूडे वुमेन हैव देयर इंटरनेशनल प्रेजेंस वेदर इन स्पोर्ट्स और इन स्पेस। आगे ये कहती हैं, बट सम प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी जी आर स्टिल कन्फाइंड ओनली टू टेक्स्ट बुक्स सच एज अपलिफ्टमेंट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, बिकॉज इंडिया हैज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड वाइल एट द सेम टाइम 30% ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन पॉवर्टी। पाकिस्तान एंड इंडिया इशू वुड हैव बीन सॉल्व्ड लॉन्ग बैक एंड इवन टेररिज्म विच इज अ थ्रेट टू होल वर्ल्ड वुड नॉट हैव ग्रोन टू दिस प्रेजेंट लेवल इफ गांधी जीज प्रिंसिपल्स लाइक नॉन वायलेंस एंड पीस आर फॉलोड। ओके, आगे ये कहती हैं, आर प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू पुट गांधियन प्रिंसिपल ऑफ ड्रीम्स इन टू एक्शन, इफ दिस इज डन देन ग्लोबल इंडिया अ ड्रीम ऑफ गांधी जी विल बी अचीव्ड। ओके, तो ये इन्होंने लिखा और आप देखेंगे कि इन्होंने काफी सारी चीजें रेलेवेंट लिखी। अब आप देखो इनको स्कोर कितना मिला है। रेलेवेंसी, यस रेलेवेंसी थी 7 मार्क्स, स्पेलिंग ग्रामर वाज इन प्लेस 4 मार्क्स, वर्ड लिमिट के लिए इनको 4 नंबर मिले हैं, कंटेंट क्वालिटी के लिए इनको 6 नंबर मिले हैं, कंटेंट वाज गुड, फॉर्मेट भी इनकी ठीक थी, बिल्कुल अलग अलग पैराग्राफ्स बनाए डिवाइड किया अच्छे से लिखा 4 नंबर, राइटिंग अच्छी थी यस 4 नंबर, इफेक्टिव सेंटेंसेस भी इन्होंने सेंटेंसेस अच्छे बनाए, सही वर्ड्स का चयन किया 5 नंबर, क्या पूरा ब्लेंड कर पाए यस, तो ओवरऑल इनको मिले हैं 38 मार्क्स विच इज अ गुड स्कोर। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इनके लेटर पर, इन्होंने लेटर कैसा लिखा है। लेटर में आपको क्या लिखना था, राइट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर अबाउट स्वच्छ भारत अभियान। ओके, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर अबाउट स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज हो गए थे, क्या ये फॉर्मल लेटर है या फिर ये इनफॉर्मल लेटर है, आप बताइए ये कौन सा लेटर है। मैंने क्लियरली अपने वीडियोज में ये कवर किया है कि फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं। भाई ये आपका फॉर्मल लेटर है, इसमें बाकायदा आपको फॉर्मेट फॉलो करनी है, पहले अपना एड्रेस लिखिए, डेट डालिए, फिर प्रधानमंत्री के आवास पर अगर लिख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं उसका एड्रेस डालिए, फिर सब्जेक्ट डालिए और उसके बाद आप शुरुआत कीजिए। अगर आपके लेटर की बॉडी भी अच्छी नहीं है परंतु आपने राइट फॉर्मेट फॉलो किया तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। तो देखो, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर अबाउट स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखें। 13/143/D मंजूनाथ लेआउट, उसके बाद हैदराबाद 24 अक्टूबर 2017 2, उसके बाद इन्होंने लिखा है द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द कोर्स रोड न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान। सर, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू फॉर इनिशिएटिंग अ मेगा क्लीन अप प्रोग्राम इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान।
This had earned you the gratitude of millions of Indians. I would also like to tell you that Swachh Bharat is clearly visible in all parts of India. This is a very great change. Even in our locality, the campaign is going on very well. Okay. Aage, I am very glad to be a part of this campaign. Thank you so much for introducing such a campaign to bring awareness. I am writing this to you as I am a true admirer of your leadership. I truly believe that your tireless effort will make India a great place to live. Thanking you, yours truly, Revati. ठीक है? तो लेटर भी इनका अच्छा था. और अब मैं आपको एक और लेटर पढ़कर सुनाती हूँ. ये सिद्धार्थ जेला का पेपर है और इनका ऐसे पढ़ रही हूँ आपके लिए. ओके, लेट मी रीड दी ऐसे फॉर यू नाउ. लेट मी ऐसे का मैं सारा पार्ट तो नहीं पढ़ूंगी, कुछ एक पार्ट पढ़ रही हूँ. लेट सी. The evolution of Mohan Das Karamchand Gandhi to being a Mahatma, father of the nation, is not an overnight success, but continuous persistence of his principles and fight for freedom. We remember him not only by statues, printing him on notes or naming streets after him, but also by following his principles. He always fought for independence by leading the nation in non-violence. Make in India is no different from Gandhiji's boycott of foreign goods and encourage using Swadeshi goods. Although both serve different purposes, they have common aim of India becoming इंडिपेंडेंट. तो आपको देखा नजर आया किस तरह से इन्होंने शुरुआत करके गांधी जी के प्रिंसिपल्स का जिक्र करते हुए उसको बहुत ही अच्छे से इनकी बिगिनिंग का जो पार्ट है ये मैंने आपके लिए पढ़ा. इट वॉज वेरी नाइस. आगे एक और पोर्शन इनके ऐसे का बहुत अच्छा था. गांधीयन प्रिंसिपल्स आर इनकल्केटेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव बीन फॉलोइंग देम फ्रॉम द डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एज गांधी बिलीव्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया विच हैज डिफरेंट कल्चर्स रिलीजन्स एंड हेरिटेज. ये पैराग्राफ भी इनके ऐसे का बहुत अच्छा था. मैं आपके लिए अब इनका लेटर पढ़ती हूँ. इज लेटर वॉज गुड. Oblique 21, Sector 19, नेहरू नगर रोड, हैदराबाद, तेलंगाना. और ये यहाँ पर पिन कोड. हमारे दोनों टॉपर्स हैदराबाद से, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें साउथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं. October 26, 2017, 2. आगे इन्होंने लिखा है द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, न्यू दिल्ली, 100110. ये इन्होंने पिन कोड डाला है. आप में से बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है यहाँ पर लिख दिया चेन्नई, मद्रास, इस तरह की चीज़ें. प्लीज डोंट डू दैट, यूज सम कॉमन सेंस. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस नहीं पता आपको कहाँ होगा. आगे सब्जेक्ट स्वच्छ भारत अभियान रिगार्डिंग. ये वाला जो था इनका पोर्शन थोड़ा रिगार्डिंग स्वच्छ भारत अभियान होना चाहिए था. ऑनरेबल मोदी जी, through this letter I would like to appreciate the efforts of your government towards environment by initiating Swachh Bharat Abhiyan program in the country. We are very thankful to you for guiding us in the footsteps of Mahatma Gandhi. It is an eye-opener to all Indians and it brought much awareness in my locality and people are now concerned about waste recycling and its disposal. I think it was a great idea to involve celebrities from various fields to spread the message. I feel that this cleanliness program has great potential along with Namami Ganga program and they should be constantly focused in the future as well to make India proud. We would like to see more such game-changing initiatives from you. Yours faithfully, Anmol. Or words used 151. इनको वर्ड्स यूज्ड में तो मैंने 5 out of 5 दिए हैं. ओके, सो दिस वॉज अ लेटर फ्रॉम हिम विच वॉज वेरी वेल रिटन. अब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ जितेंद्र सिंह गुर्जर का पेपर. जितेंद्र जी, आपके पेपर के अक्सर मैं काफ़ी पार्ट्स इंक्लूड करती हूँ लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार टॉपर भी बने. मन कर रहा है कि आप टॉपर बने. सो ऑल द बेस्ट. उम्मीद करती हूँ जल्दी आपको अमंग द टॉपर्स देखेंगे. इनके ऐसे का कुछ एक पोर्शन जो है वो बहुत अच्छा था जो मैं आपके लिए भी पढ़ने वाली हूँ. ये कहते हैं गांधी जी की कही बातें. शुरुआत से ही पढ़ रही हूँ आपके लिए. ओके, तो गांधी जी की क्या प्रासंगिकता उसके बारे में इन्होंने लिखा है. गांधी जी की कही बातें आज एक विचारधारा बन गई हैं. उनकी अहिंसा और सत्य में निष्ठा से भारत गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हुआ. गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु
उसके बाद ये कहते हैं गांधीवाद नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। परंतु क्या वाकई उक्त पंक्तियों की इस 21वीं सदी में अपनी प्रासंगिकता है? देखो कितने अच्छे से इन्होंने रेलेवेंट लिखा है ना, मुझे बिल्कुल एहसास कराया कि ये डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, सीधे टू द पॉइंट आ गए। सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफार खान हो या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला, सभी ने गांधीवाद को अपनाकर समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़के विजय प्राप्त की और ये मुझे समझ में नहीं इन्होंने क्या लिखा है, परिवर्तन के साक्षी बने। आजादी के आंदोलन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, देखो इन्होंने भी गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में क्या किया वो लिखा है, परंतु उसको वो किस तरह से आज रेलेवेंट है उससे एसोसिएट किया है। ओके आगे ये कहते हैं, आजादी के आंदोलन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, उसके बाद आगे ये कहते हैं ओके, खादी आज की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। विकेंद्रीकरण, लघु उद्योग को प्राथमिकता, गांवों का विकास, कृषि सिंचाई को बढ़ावा आदि विचार इसी आधुनिक युग में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी देश की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में गांधीवाद को अपनाकर सार्थक परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बदलते समय और बदली परिस्थितियों में भी उनकी विचारधारा को अपनाकर समाज को नई दिशा दे सकते हैं। स्वावलंबी बनने की प्रेरणा भी गांधी जी से मिलती है। वे कहते थे कि अपना काम हमेशा खुद को करना चाहिए, जिससे वह आसपास के माहौल से अवगत होगा, जो उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिलेगी। नई युवा पीढ़ी को गांधी जी से प्रेरणादायक विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। ऐसा हम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की पुस्तकों में नए पाठ्यक्रम जोड़कर कर सकते हैं, जो कि निश्चय ही एक नए भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। तो ये इनका ऐसे था जिसमें इन्होंने गांधी जी किस प्रकार से आज के समय में भी रेलेवेंट है बहुत अच्छे से लिखा। ये अर्चना का पेपर है, अर्चना के पेपर से केवल कुछ हिस्सा पढ़ने वाली हूँ मैं जो इन्होंने लिखा है। तो ये वाला पोर्शन देखिए, हर साल हम 2 अक्टूबर को सत्य व अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। ओके, उनके सिद्धांतों पर चलने की कस्में खाई जाती हैं। हर रोज हम सरकारी दफ्तरों, नोटों आदि पर उन्हें देखते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो हमारे विचार, सोच व इरादों में हैं? तो ये इनका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जो अच्छा था। आगे इन्होंने लिखा, आज न केवल भारत बल्कि विश्व के कई देशों में धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के नाम पर हिंसा बढ़ रही है। सत्य अहिंसा सत्याग्रह आज सार्थक है। क्या वास्तव में राष्ट्रपिता सरकारी कार्यक्रमों व किताबों तक ही सीमित हो गए हैं? तो ये वाला जो पोर्शन था इनके ऐसे का अच्छा था। विशाल सिंगला हमारे स्टूडेंट है यमुनानगर हरियाणा से, ये लिखते हैं, आज के समय में गांधीवादी विचारधारा देशवासियों में असहिष्णुता के बढ़ने के कारण कम होती जा रही है। लोगों में आक्रामक बर्ताव बढ़ने का मुख्य कारण विपरीत अथवा प्रतिकूलित परिस्थितियां हैं, जहां लोगों को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पाते हैं और बेरोजगारी ने तो लोगों को हिंसा तक करने को विवश कर दिया है। आजकल झूठ के बल पर लोग अपना उल्लू सीधा करने में व्यस्त रहते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति का अहित करने में संगलित रहते हैं। आज के समय में अमन और शांति बनाए रखने में गांधीवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान में भी अहिंसा का मार्ग समझाया हुआ है। लोगों के हृदय परिवर्तन करने के लिए कई धार्मिक पुस्तकें सत्य तथा अहिंसा के मार्ग को प्रदर्शित करती हैं। तो ये वाला पोर्शन इनका अच्छा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने गांधी जी की लाइफ से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर बहुत अच्छा लिखा, लेकिन कुछ बिल्कुल ही भटक गए। अब यहाँ पर ये है लास्ट वाला पेपर जो मैं आपके साथ ले रही हूँ, ये सोमनाथ चौधरी का पेपर है। ओके, और सोमनाथ चौधरी ये मुंबई से हमारे स्टूडेंट हैं। ओके, और सोमनाथ चौधरी ने एक पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है। देखो, वी मस्ट रिमेंबर दैट गांधी जी वॉज अ स्ट्रैटेजिस्ट। गांधी जी एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक जीनियस थे, एंड ही मोल्डेड हिज मूवमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के अनुसार उन्होंने अपने मूवमेंट को मोल्ड किया। ही एंडोर्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाइल प्रैक्टिसिंग।
He could visualize the mood of the nation and strategically took each step in a well-defined way. So our politicians can learn a lot about strategization from Gandhiji. Okay? और इस तरह से काफी सारे students ने Gandhiji बहुत अच्छे से mass movements organize करते थे. उनके बारे में देखकर फिर जो अन्ना हजारे ने mass movement organize किया था against corruption, उसका भी उल्लेख किया है कि किस तरह से आज के time में भी politicians जो हैं उनकी technique वगैरह use करते हैं. ठीक है? तो ये सभी लेटर्स और एसेज वो हैं जो कि हमें अच्छे लगे और हमें लगा कि आपके लिए इंक्लूड करने चाहिए. इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन खत्म होती है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लिखते रहेंगे समय पर और हमें भेजते रहेंगे और आप में काफ़ी सुधार आएगा. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.